नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज में आपका टेबल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ग्लोबल वार्मिंग के जो केसेस हैं उसमें जो रीजंस हैं वो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रीज़न है ओवर फिशिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो इको सिस्टम है वो पूरी फिशिंग पर भी आधारित है। क्योंकि मानव के लिए प्रोटीन के मुख्य क्षेत्रों में से एक जो सारी दुनिया में अब तक जो डिपेंड है वो है मछली, यानी कि फिश। तो फिश खरीदने और खाने वाले लोगों की संख्या के कारण अब समुद्री जीवन का मात्रा की जो मात्रा है वो कम हो गई है। ओवर फिशिंग ने भी समुद्र के भीतर विविधता की कमी बना दी है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा जो है औद्योगिकरण। अगर इस तरह से फिर हम बात करें कि जो हानिकारक पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो औद्योगिकरण के कारण हो रहा है, जो कि कचरा पैदा करता है और यहाँ पे जो वातावरण है उस बहुत ही ज़्यादा इसको पॉल्यूटेड करता है। और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको रासायनिक सामग्री भी बोला जाता है, ये वातावरण में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर भी पड़ता है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो है वाहन, यानी कि व्हीकल्स, यानी कि जो परिवहन है या वाहन है जिसमें पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बड़ी भारी मात्रा में जो है पॉल्यूशन फैलता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि बड़ी मात्रा में परिवहन कारों, विमानों, नावों और ट्रेनों के माध्यम से किया जाता है, लगभग सभी चलाने के लिए जो ईंधन पर निर्भर करता है, जो डीजल हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है, इसमें वातावरण में कार्बन और अन्य प्रकार के प्रदूषित निकलते हैं। ये परिवहन जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसे कम प्रभाव किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है। फिर हम बात करते हैं तेल की ड्रिलिंग। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 30% आबादी और लगभग 1% कार्बन, जो मीथेन की जो आबादी है 30% और 1% कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए तेल की ड्रिलिंग जिम्मेदार है। तेल की ड्रिलिंग का उपयोग पेट्रोलियम तेल का हाइड्रोकार्बन को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में अन्य गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जो जानलेवा परिवर्तनीय कहलाता है और ये आसपास के वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो ये जो मुख्य कारण है ये हैं। और अगर बात करें तो बिजली संयंत्र भी इसका एक मुख्य कारण भी है। तो ये मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपको अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।